जब पास्ट आया ही नहीं A1 में और A2 में अपन नहीं आए, अभी मंडे से आएंगे, ठीक है? तो A1 में पास्ट आया ही नहीं और A2 में हम नहीं आए, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं ला दूंगा। बात है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट A1 में आया लेकिन हमको नहीं आया, ये वाला प्रेजेंट। उसका रीजन ये है कि उस दिन तुम नहीं आए, शायद 2-1 दिन पहले हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट किया। लेकिन एक बार तुम्हारे लिए मैं फास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन वर्ब कौन कौन सी लेती हैं, तो एक प्रॉब्लम तो मेन दिमाग से हट जाए। सो ये मेरे आप एक बार रिमाइंड कराओगे मुझे, जाइन वर्ब कौन कौन सी हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? बोलो। गेहन, कॉमन, अनकॉमन। मेरी आदत क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने अब कोई कॉमन और अनकॉमन बोलता तो मैं साथ नहीं लिखता, क्योंकि मुझे याद हुई थी ये मुश्किल से, तो जब मैंने याद की थी तो मैंने अनकॉमन और अपहरण को साथ किया था, अब मैं वैसे ही लिखता हूं। मेरी बड़ी मुश्किल से याद हुई थी, अब मेरी आदत ही पड़ गई, मैं इनको साथ लिखता हूं। इससे क्या फायदा होता है, मेरी याद भी आ जाती है कि भाई जाने की है तो आने की भी तो होगी। तो अपहरण का मतलब टू डिपार्ट और अनकॉमन का है टू अराइव। ओके, मैंने ऐसे ही नींद में जाना और नींद से बाहर आना, इसको साथ में किया था जब मैं B1 में था, तब किया था ये। नींद में जाने के लिए आइन स्लाफन, और बाहर आने के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आउपस्टेहन। नींद में आना और नींद में जाना, ओके, तो इन दोनों को साथ में किया मैंने। और इसके अलावा जन्म लेना और मर जाना, इनको एक साथ किया कि नक्की करो जन्म लेके, नहीं, नक्की मत करो भाई, राइट? गिबेरन, गिबेरन का गिबोरन हो जाता है, और स्टेरबन, तो जन्म लेना और मरना, इन दोनों को साथ में निपटाया था मैंने। ऐसे ही दो वर्ब और मैंने साथ में निपटाई थी, ये 8 वर्ब थी, वो है बस में चढ़ना और बस से उतरना। आइनस्टाइगन और आउसस्टाइगन। तो आप हाँ, क्या इनमें इंग्लिश में इनको, जैसे आइनस्टाइगन का मतलब है बस में चढ़ना, मान लो कोई बस है तो आप बस में चढ़ोगे ना, और कहीं जाके फिर बस में से उतरोगे, ये तो बस लगी नहीं रही। कार, हाँ कार के लिए भी यही है, ट्रेन, ट्रेन के लिए भी यही है। तो टू गेट इन टू, बोर्ड ऑन, बोर्ड ऑफ, गेट इन, गेट डाउन, कुछ भी बोल दो आप इसको इंग्लिश में। बस में चढ़ना, बस, ट्रेन, कोई भी व्हीकल में चढ़ना और उसमें से उतरना, ये तो हो गया आइनस्टाइगन, आउस्टाइगन। अनकॉमन मतलब टू अराइव और टू डिपार्ट, प्रस्थान करना और वापस आना, रीच करना, अराइव करना, बस पहुंच गई है, बस निकल रही है। नींद में जाना आइनस्लाफन, और नींद से आना उठ खड़े होना, और गेबेरन और स्टेरबन। ये वर्ब मुझे मुश्किल से याद हुई, तो मैं इनको साथ ही रखता हूं, अभी तक भी अलग अलग नहीं करता, रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। रिस्क क्यों नहीं लेना चाहता? रिस्क के लिए इसलिए नहीं लेना चाहता कि भाई आजकल मैं पढ़ाता हूं, देखो अब बच्चे मेरे को पूछें कि भाई जाइन की वर्ब बताओ, तो याद भी तो आनी चाहिए, याद भी तो आनी चाहिए ना, इसलिए मैं इनको साथ ही रखता हूं कि परेशान करेंगी तो यही करेंगी, इनको पहले निपटाओ। बाकी तो दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इस टाइप की सी है। बाकी में देखना मोशन की बात करती हैं ज्यादातर ये वर्ब, गेहन, कॉमन। अब और गेहन भी 2-3 तरीके से होता है ना, फारन, फ्लीगन। फ्लीगन में बाई एयर, बाई व्हीकल, पैदल, और लाउफन में दौड़ के जाता है आदमी, और रेनन में भाग के जाता है, रेनन। श्विमन में तैरना, ओके, ये दौड़ेगा तो गिर भी सकता है, तो फालन ले लो।
तीन नॉमिनेटिव वर्ब, देखो टोटल चार नॉमिनेटिव वर्ब हैं, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन। हाइसन को छोड़ के तीनों जाइन में आती हैं। इनको मैंने ऐसे लर्न किया था कि हाइसन को छोड़ के ये तीनों नॉमिनेटिव इसमें आती हैं। सो वेडन, ब्लाइबन और जाइन, ये भी इसी में है। इसके अलावा पासियरन, पासीरन और बोलो स्प्रिंगन, जंप करना, स्प्रिंगन, क्लेटर्न चढ़ना पहाड़ वगैरह पे, पेड़ वगैरह पे, क्लेटर्न रेंगना, श्लाइशन, वांडर्न उसमें भी जाना ही हो गया, वांडर्न और अब जब जैसे गेहन है और कॉमन है, इनके साथ शुरुक लगा दो कि तो भी रहेंगी तो वही, तो शुरुक गेहन कर दो, कॉमन को शुरुक कॉमन कर दो, शुरुक कॉमन, ऐसे ही कोई शुरुक का मतलब है वापस, यहां पे है जाना और ये कह रहे हैं वापस आना, तो उसके लिए वापस शुरुक होता है, तुम जाओगे वापस आओगे, ऐसे ही कोई बोले कॉमन, कोई बोल सकता है शुरू कॉमन, ऐसे ही कोई कह सकता है फारन, शुरू फारन, फ्लीगन, शुरू फ्लीगन, कह रहे जाओगे तो आओगे भी, ऐसे करके ऐसे आपको लर्न करनी है। और भी है इसमें कुछ, श्लाइशन, रेंगना, पिघलना, इस तरह की भी चीजें हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें जनरली या तो क्या होता है, दो वर्ड यूज करते हैं, दो टर्म यूज करते हैं इस जाइन के परफेक्ट के वर्ब के लिए, दो टर्म यूज करते हैं। एक बोलते हैं स्टैंड वेक्सल, एक बोलते हैं ओल्ट वेक्सल। ओल्ट वेक्सल, ओल्ट, ओल्ट का मतलब होता है प्लेस, तो इसमें ज्यादातर वर्ब या तो वो हैं कि जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाती हैं, जैसे गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, स्विमन, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगी ना, क्लेटर्न चढ़ना, वांडर्न, शुरू कॉमन, या तो ऐसे, या तो वो ओल्ट वेक्सल है, या फिर स्टैंड वेक्सल। स्टैंड वेक्सल को बोलते हैं पोजीशन में चेंज आना, पोजीशन में चेंज है ना, पोजीशन में चेंज आने का मतलब है जैसे जन्मना, पेट के अंदर था बाहर आ गया, कहीं गया थोड़ी, बस वहीं बस बाहर आ गया, खड़ा था गिर गया, फालन भी है इसमें, फालन, खड़ा था गिर गया, कहीं गया थोड़ी, गिर गया, डॉक्टर बन गया, तो बन गया तो कहां गया, कहीं नहीं गया, यहीं है, पहले डॉक्टर नहीं था अब डॉक्टर बन गया। तो इसमें क्या है कि इसको स्टैंड मतलब आपका स्टैंड चेंज हो गया, जैसे खड़ा हूं, खड़े खड़े नींद आ गई, झपकी आ गई, तो कहीं गया क्या, नहीं गया, बस मेरी पोजीशन में चेंज आया, मर गया तो कहां गया, कहीं नहीं गया, बूढ़ी तो यहीं पड़ी है, तो मतलब लेकिन वो बूढ़ी पहले वाली नहीं है भैया, पोजीशन में चेंज आ गया। तो इसमें जनरली या तो प्लेस ए से प्लेस बी पे ओल्ट वेक्सल, या फिर स्टैंड वेक्सल, मतलब स्थिति में चेंज, स्थिति में चेंज, पोजीशन में चेंज, प्लेस का चेंज होता है या पोजीशन का चेंज होता है। तो ये वर्ड लर्न कर लेना, बाकी और भी कई होंगी जैसे आपको पता चल जाएंगी, रेंगना, तो रेंग के भी आदमी कहीं पहुंचता है ना, रेंगने में भी चेंज होता है, बर्फ पिघल गई, पिघल गई तो कहां गई, कहीं नहीं गई, ये रही पानी बन गई, तो मतलब पोजीशन में चेंज हो गया, एक तरह से स्थिति चेंज हो गई उसकी, ऐसे। तो आप इस तरह की वर्ब को जाइन के साथ जोड़ के देखा, देखो, और बाकी को सबको हाबन के साथ जोड़ के देखो, ठीक है सौरभ। घर पे क्या करेंगे आज, ये बताओ, एक दिन और बचा है A1 का रिवीजन करने का, तो जो भी A1 की ग्रामर है वो सारी देखोगे आप खुद, आपको खुद को लगना चाहिए कि यार A1 में मेरे ये दो चीजें हैं,
थोड़ी कम है तो सर से पूछ लूं मैं, कल कल A1 के लिए मैं अवेलेबल हूं, उसके बाद में अपन A2 में आएंगे तो भी पूछ ही सकते हो, लेकिन फिर क्या है कि A2 में एक बार घुस जाएंगे तो फिर A2 की कई सारी चीजें वो करेंगे ना ट्रेन, तो आप आज आज एक बार A1 की ग्रामर में डुबकी मारोगे, यही काम है आपका। मुंह उठा के ऐसे ही मत आ जाना, डुबकी जरूर मारोगे चाहे कुछ मिले नहीं, एक नजर देखोगे कि क्या पूछ सकते हैं अपन कल, यही होमवर्क है आज का। क्लार 10 40 वीडियो में नहीं डला है तो मैं डलवा दूंगा, ठीक है? आपने चेंज कर ही लिया तो नहीं डला होगा, तभी बोल रहे होंगे ना। हाँ सर, नहीं डला। ठीक है।